नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज ये रिदम का कुछ पैटर्न लेके आया हूँ। पैटर्न नहीं, रिदम पैटर्न नहीं कह सकता मैं इसको, एक्चुअली बेसिक है रिदम प्ले करने के लिए। तो आप इनका प्रैक्टिस, अगर सारी चीज़ को प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे तो रिदम अपना आप बजा पाएंगे, निकाल पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वेरिएशन बना पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले समझा देते हैं चीज़ को। सबसे पहले हम 4/4 बीट का लेके आए हैं इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें एक्चुअली इसको डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मतलब एक बीट पर दो दो लेके, मैंने इसको, हालांकि मैं अभी गिटार में दिखा देता हूँ, चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। स्ट्रोक आपका हर बार यही चलता रहेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये जो टी है, टी मतलब हमें कॉर्ड को टैप करना है, बाकी में हमें कॉर्ड को टैप नहीं करना है, ये सब डम्प साउंड आएगा। उसके बाद पहले नंबर पे, फिर हम इस चीज़ को बदल के दूसरा जो लेसन है इसमें जो है दूसरे में टैप करेंगे, बाकी सब डंप करेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहेंगे, तीसरे को टैप करेंगे, बाकी सब डंप होंगे। फिर यहाँ से शुरू से भी ये भी डंप होता रहेगा, और चौथे को डंप करेंगे, ऐसे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ठीक। उसके बाद एक और अलग वेरिएशन है, इसमें डाउन और अप सेम चीज़ है। डाउन 1 में और 2 में टैप करेंगे, बाकी सब डब में जाएगा। फिर 1 में टैप, 2 में डंप, 3 में टैप, बाकी सब डंप। तो चलिए गिटार पर चलते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमें बार बार प्ले करना है, हम इसमें ये चीज़ प्ले नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे ओपन स्ट्रिंग आ जाते हैं, और ओपन स्ट्रिंग अच्छे डंप होते नहीं है। मैं सिर्फ इस हिसाब से डंप करूँगा, और ये पिक जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा, ठीक। सबसे पहले अब धीरे धीरे बजाइए इसको, टेम्पो को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे पहले में था, पहले में टैप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 में स्ट्रोक होगा क्योंकि दूसरे में टैप करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
चौथे में लेंगे फिर एक दो तीन, ठीक, मतलब चौथा अप में जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. दूसरी तरफ जा रहा हूँ, डाउन अप, पहले और दूसरे में टीटी था, मैंने टैप करना है 1 और 2 में, ठीक। तीसरा दूसरा क्या है, 1 डम्प 3 टैप, ठीक, यानी कि 1 और 3 में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
टैप डम डम डम, टैप डम टैप डम 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 टैप डम डम। पांच बार ले रहे थे, टैप टैप डम टैप डम डम डम, इसी तरीके से आप चीज़ को बनाते रहिए, मिक्स करते रहिए, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, मतलब आधा आधा करके। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, टैप टैप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका वेरिएशन और भी बनाएंगे, बना के आपको, आप लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे उसके बारे में भी। और आप लोगों से घर से हो सके, घर में हो सके, तो आप प्लीज़ इसको कुछ भी कैसे भी करके आप इसको बजाइए। जरूरी नहीं है कि आठ ही लिखना है, आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में सबसे बेहतर होगा कि आप फोर फोर बीट पर ही इसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सब इसी को जोड़ जाड़ के सब बनते रहेंगे। फिर चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।